नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी हिंडनबर्ग केस के बारे में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं जो एक एक्सपर्ट पैनल है वो बनाने की सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी, और यहाँ पे कंसिस्ट की है एक कमिटी जो कि अब जांच करेगी इस केस के बारे में। तो यहाँ पे जो 6 लोगों की कमिटी बनती हुई दिखाई दी, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें ओपी भट्ट, जेपी देवदत्त, नंदन निलेकड़ी, केवी कामत, सोम शेखरन सुंदरन, और साथ ही साथ जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एएम सापरे, ये इस पैनल को लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो जिस तरीके से जब से अदानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन है वो पूरे ग्रुप की और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स की होती हुई दिखाई दी है। तो आज यहाँ पे अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे सेट करने की कही गई है कमेटी, और जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी अदानी ग्रुप और उसके साथ जो भी चीज यहाँ पे होती हुई दिखाई दी इंडियन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज है एएम सापरे इस कमेटी को लीड करने वाले हैं, जो हमारे जो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, आज यहाँ पे इन्होंने ये ऑर्डर दिया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जो सेबी है, सेबी के जो चेयरपर्सन है, वो भी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो इस कमिटी को यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं सेबी भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी गिरावट जो हुई है पिछले कुछ दिनों में इन पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में, वो कहीं ना कहीं कंसर्न वाला इम्पैक्ट है। तो अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके की रिपोर्ट आती है। जिस तरीके से बात की जा रही है, कमिटी को अपनी रिपोर्ट को सील्ड कवर में बिफोर यहाँ पे कोर्ट के सामने पेश करना है। 2 महीने का जो यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रहा है कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, और साथ ही साथ सेबी भी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती हुई दिखाई देगी। सेबी यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि यहाँ पे सेबी के रूल का जो वायलेशन है वो थोड़ी हुआ यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन की बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पे स्टॉक में मैनिपुलेशन की गई है, और ये सारी चीजें जो है 2 महीने के अंदर रिपोर्ट में फाइल की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो न्यूज है वो आज के दिन फाइनली आती हुई दिखाई दी, क्योंकि 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की अगर हम बात करें तो ग्रुप की टोटल वैल्यूएशन जो है वो वाइप आउट होती हुई दिख रही है। बहुत ही ज्यादा तरीके से वेल्थ डिस्ट्रक्ट जो है इस ग्रुप में सभी लोगों की होती हुई दिखाई दी, साथ ही साथ पूरे ग्रुप की भी वेल्थ जो है वो डिस्ट्रक्ट होती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब हम बात करेंगे स्टॉक प्राइस के हिसाब से, तो आज कहीं ना कहीं नतीजे जो है हिसाब से देखने मिले, जैसे ही न्यूज आती हुई दिखाई दी है, आज के दिन अदानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक जो है लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ 1600 रुपए के जाके ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो अब कहीं ना कहीं अदानी इंटरप्राइजेस के लिए 1100-1150 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो ही आप यहाँ मान सकते हैं कि स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने मिलेगी, अदरवाइज एक यहाँ पे बाउंस बैक जो है नतीजों के दम पे देखना मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज्यादा बनी हुई है स्टॉक में, और वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे आपको बनी हुई रहेगी, तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप इन स्टॉक से दूर ही रहें। और साथ ही साथ अगर दूसरे ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में आपको सर्किट लगता हुआ दिखाई दे अपर साइड में। अदानी ग्रीन के स्टॉक की बात करें, 535 रुपए पे स्टॉक पे अपर सर्किट पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। अदानी ट्रांसमिशन की आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 5% के अपर सर्किट पे जाके लगभग 708 रुपए के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया। बड़ी गिरावट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों में जो लोअर सर्किट लगातार इन ग्रुप स्टॉक्स में लगते हुए दिख रहे थे 5-5% के, वो कहीं ना कहीं ओपन हुए और वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और अब अपर सर्किट का सिलसिला जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स के स्टॉक में देखें तो निफ्टी में लिस्टेड स्टॉक है, और ये थोड़ा स्ट्रेंथन आपको होता हुआ दिख रहा है, पुराने हाइस को काट के एक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका रिसेंट यहाँ पे हमने देखा था 500-600 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो 600 के ऊपर जाके आज 622 के लेवल पे 3.5% की तेजी यहाँ पे भी देखने मिली, तो ये स्टॉक जो है थोड़ा स्ट्रेंथ होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो एक बार के लिए 700 की तरफ ये स्टॉक आपको आगे चल के मूव करता हुआ दिख सकता है। अदानी विल्मर की भी अगर हम बात करें तो अदानी विल्मर का स्टॉक भी आज तीसरे दिन यहाँ पे अपर सर्किट पे बंद होता हुआ दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी एक अच्छी रिकवरी जो है निचले लेवल से देखने को मिल रही है। लगभग लगभग हम अगर देखें तो 2-3 दिन पहले से स्टॉक ने 327 का लो बनाया था, और उसके बाद आज 398 के आसपास स्टॉक में क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। अदानी टोटल गैस के स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक में भी बड़ी तेज गिरावट 4000 के लेवल से देखने मिली थी,
2 दिन हो गए यहाँ पे भी आपको एक अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। आज यहाँ पे वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे, लगभग 4 मिलियन शेयरों से ज्यादा के 744 के आसपास जो है इस स्टॉक की भी आज के दिन क्लोजिंग हुई है। अब देखना होगा ये अपर सर्किट किस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है, क्या यहाँ पे भी रोज कुछ दिन अपर सर्किट लगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 18-20 दिन से लगातार लोअर सर्किट का सिलसिला चल रहा था, कहीं ना कहीं एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीजन पे ना था, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बढ़ चढ़ के बाइंग करने की कोशिश ना करें कि अब लोअर सर्किट खत्म हो गया, अपर सर्किट लग रहा है, खरीद लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस दिन फिर लोअर सर्किट लगना चालू होगा तो हो सकता है फिर आपको फिर से सेलिंग का मौका ना मिले और फिर आप बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे। और अगर आपके पास स्टॉक है और आप प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करते चले, वो एक बहुत ही शानदार चीज होगी कि अगर आप इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। अदानी पावर के स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो आज यहाँ पे तीसरे दिन अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, 5% के अपर सर्किट के आसपास ये भी स्टॉक 161 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कमेटी किस तरीके की रिपोर्ट जो है वो सौंपती है, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आती है। तो अभी 2 महीने का वक्त है, तो अभी 2 मार्च का है, तो इन्हें 2 मई तक के आसपास आप मान सकते हैं कि आपको इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला आता हुआ दिखाई दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट आगे चल के क्या फैसला बताता है, क्या रिपोर्ट में आता है, ये सारी चीजें जो है भविष्य में पता चलेगी। इसके दम पे स्टॉक में आपको दोनों ही साइड के अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकते हैं। अच्छी न्यूज होगी तो आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकेगी, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज निकल के आई तो आपको एक बहुत बड़ा सेल ऑफ फिर से बनता हुआ ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपको इसका इम्पैक्ट न्यूज के दम पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।